अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट टू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 6, और बी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास 2, 4, 6 and 8, ये हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। एंड सी भी हमें गिवन है विच कंटेन 1, 4 and 8। देन अब ये हमारे पास पार्ट्स गिवन है उनके ए बी और सी। ठीक है, अब हमने जो इनके ऊपर आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, इनको सॉल्व करना है, वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, उसकी जो राइट साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डाटा गिवन हो, तो आपने बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो ए हमारे पास एक सेट है और ऐसे ही हमारे पास बी भी एक सेट है, तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। तो ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट कंटेन 1, 2, 3 up to 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये हमारे पास ए सेट है। इंटरसेक्शन बी, बी हमारे पास 2, 4, 6 and 8, ये हमारे पास बी सेट है। अब लास्ट लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड किया था, जब भी हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमने जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो उनका हम कॉमन एलिमेंट्स को हम चूज करेंगे। ठीक है, तो आप ए में और बी में चूज करें विच एलिमेंट्स आर कॉमन। इंटरसेक्शन मीन आपने कॉमन एलिमेंट चूज करने है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 इज अ कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 इज आल्सो कॉमन एलिमेंट, तो 4 भी हमारे पास आंसर में आ जाएगा। उसके बाद 6 भी हमारे पास एक कॉमन एलिमेंट है, तो हम 6 को भी इंटरसेक्शन में चूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसे ही आपने इसकी जो राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए, हमने अब उसको प्रूव करना है, इसको आप नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आपने इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको आप सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो बी सेट है उसको लिखना है। ठीक है, और बी सेट हमारे पास क्या है, 2, 4, 6 and 8। इंटरसेक्शन जो ए सेट हमारे पास है विच इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6। नाउ अब अगेन हमने इनका क्या अप्लाई करना है, इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उनको चूज कर लेंगे अगेन। तो अगेन आपके पास 2 कॉमन एलिमेंट है और साथ में 4 भी कॉमन एलिमेंट। ठीक है, और 6 भी आल्सो कॉमन एलिमेंट। तो हमारा जो आंसर बनेगा दोनों का इंटरसेक्शन विच इज 2, 4 and 6। नाउ इसको आप नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करें, नंबर 1 का आंसर और नंबर 2 का आंसर दोनों का सेम आंसर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी है, ये इक्वल आ रहा है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब हम जो सेकेंड पार्ट है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब हमने सेकेंड पार्ट को प्रूफ करना है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास है बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, अब अगेन आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो आपके पास बी सेट क्या है, बी सेट के अंदर 2, 4, 6 एंड 8 ये एलिमेंट्स हैं। यूनियन आप लेंगे इसका ए सेट के साथ, और ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हम सेट चूज कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ अब स्टूडेंट्स हमने यूनियन के अंदर क्या अप्लाई करना होता है, यूनियन एक प्रॉपर्टी है दो सेट्स के दरमियान, ठीक है, जिसमें हम जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब को चूज कर लेते हैं, ठीक है, आइदर वो सेट ए में आ रहे हैं या बी में आ रहे हैं, फर्स्ट सेट में आए वो एलिमेंट्स या सेट सेकंड में आए, आपने उन दोनों को सब एलिमेंट्स को आपने एक सेट में कंबाइन कर देना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनियन। तो आपने बेटा तमाम जो सेट्स हमारे पास हैं उनको एक सेट में कंबाइन कर देना है, तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में कंबाइन कर देना है। फर्स्ट हमारे पास 1 है, उसके बाद 2, देन 3, 4, 5, 6 एंड देन 8। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, इसको आप अगेन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी, अब हम उसको प्रूव करेंगे। जो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। सो अब पहले आप सेट ए को लिखेंगे, ए हमारे पास सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यूनियन बी सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2, 4, 6 एंड 8। नाउ अब अगेन हमें इनका क्या अप्लाई करना है, यूनियन। तो यूनियन के अंदर आप बेटा वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो आइदर इन दिस सेट या इन दिस सेट के अंदर होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो तमाम एलिमेंट्स हैं आप उनको एक सेट में क्लोज कर देंगे। नाउ 1, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, बट 2 को आप 1 टाइम लिखेंगे। जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर मौजूद हों, रिपीट हों, ठीक है, आप उनको सिंगल टाइम लिखेंगे, आप उनको रिपीट नहीं करेंगे, तो 2 को आप 1 टाइम ही लिख लेंगे। नाउ 3, 4, 5, 6 एंड देन 8। नाउ ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है, आप इसको नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब अगर आप नंबर 1 को देखें, नंबर 2 के साथ कंपेयर करें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड की, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअल में थी वो क्या थी, बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, हमने इन सेट्स की हेल्प से इस जो इक्वेशन थी, जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमने इसको प्रूव कर चुके हैं, कर दिया है, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट हमारे पास है, अब हम उसको प्रूव करेंगे। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। हमने प्रूफ ये करना है कि जब भी आप बेटा ये इस तरह की आप इक्वेशन देखें, तो ये एक्चुअल एक सेट्स के ऊपर प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं आप इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। ये सेट्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी है, इसमें आप बाहर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनियन। तो आप क्या करेंगे, आप जब इसको ओपन करेंगे तो इस ए का आपने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट में आपके पास रिलेशन होगा, जो प्रॉपर्टी होगी यूनियन की या इंटरसेक्शन की, वो आप बाहर आपने लिख देनी है, ठीक है। अब इस ए का आप अगेन इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहां पे आपके लिखेंगे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। नाउ अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ हमने करना से पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे,
इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमारे पास की लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहां पे हमारे पास ब्रैकेट इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी हमारे पास सेट है विच इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8, ये हमारे पास बी सेट है, ठीक है। हमने इसका यूनियन अप्लाई करना है सी के साथ, यूनियन सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 1, 4 एंड 8 ये एलिमेंट्स हैं, 1, 4 एंड 8 ये एलिमेंट्स है, ठीक है। आप बेटा आप क्या करेंगे, दोनों का आप यूनियन अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, 2, then 4, 6 एंड 8, ये आपके पास आंसर स्टूडेंट्स आ गया है किसका, ये हमारे पास आंसर आ गया है बी यूनियन सी का। अब ये इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, इसका आंसर आ चुका है, अब आप इसका जो भी आंसर आया है आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ठीक है। नाउ अब आपके पास कंप्लीट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले आप ए सेट लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब हमने इसका क्या लेना है, हमने इसका क्या अप्लाई करना है, इंटरसेक्शन विद इंटरसेक्शन जो आपने बी इन यूनियन सी का आंसर निकाला है वो हमारे पास क्या है, 1, 2, 1, 2, 4, 6 एंड 8, 6 एंड 8। नाउ अब यहां पे हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे 1, then 2, 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, 4 यहाँ भी है और वहां भी मौजूद है, 5 वहां पे नहीं है एंड 6, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो किसके इक्वल आया, 1, 4, 1, 2, 4 एंड 6, इसको आप नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। नाउ अब आपने जो आपके पास राइट हैंड साइड है इसको प्रूव करना है, उसको हम प्रूव करते हैं। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी। नाउ अब आपने इसमें भी जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व की थी, यहां भी हम पहले जो ब्रैकेट्स हैं इनके अलग अलग से आंसर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का कंबाइन हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाल लें, वो हमारे पास क्या है, पहले आप सेट ए को लिखेंगे और सेट ए हमारे पास क्या है, 1, 2, 3 अप टू 6, तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 2, 4, 6 एंड 8, अब आपने इनका क्या देना है, इंटरसेक्शन अप्लाई करना है और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट्स, और वो कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है 4 एंड 6, ये इनका इंटरसेक्शन आ चुका है। नाउ अब आप इसका लेंगे, नाउ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले आप सेट ए को लिखेंगे, अब सेट ए हमारे पास क्या है, 1 अप टू 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, सी के साथ, और सी हमारे पास क्या है, 1, 4 एंड 8, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। नाउ ठीक है, अब आपने इनके अगेन कॉमन जो एलिमेंट्स है वो लिखने, विच इज इक्वल टू 1 कॉमन है 4 कॉमन है, इसके बाद इसका 8 इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब बेटा आपने इसका और इसका क्या अप्लाई करना है, यूनियन अप्लाई करना है। नाउ अब आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, नाउ इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये इसका आंसर हमारे पास क्या है, 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6, नाउ यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास क्या है, 1 एंड 4, 1 एंड 4, अब आपने इनका क्या अप्लाई करना है,
इनका हमने यूनियन लेना है, जो कि हमारे पास क्या आएगा, 1, 2, 4 and 6। ये हमारे पास फाइनल जो आपकी राइट हैंड साइड थी उसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसको आप नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आप ऑब्जर्व करें, जो आपके पास नंबर 1 साइड थी 1, 2, 4 and 6, यहां भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है सेकंड साइड का, 1, 2, 4 and 6। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इट्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, हमने जिसको सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।